तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग काइन मास्टर से किसी भी फ़ोटो का या किसी भी वीडियो के ड्रेस का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि हम लोग काइन मास्टर से किसी भी फ़ोटो का या ड्रेस का या वीडियो का हम लोग ड्रेस कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को समझ आएगा कि हम लोग ड्रेस कलर कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो का या वीडियो का काइन मास्टर की मदद से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपने काइन मास्टर में आ चुका हूँ। ऑलरेडी मैं अपने काइन मास्टर में हूँ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कैसे ड्रेस के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोगों को एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया है, आप भी अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। एक बैकग्राउंड और ले लेते हैं। मान लीजिए एक बैकग्राउंड ये रेड वाला ले लेते हैं, एक बैकग्राउंड और दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि एक बैकग्राउंड ये वाला ले लेते हैं। तीन बैकग्राउंड हो चुके हैं हमारे पास। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग दो पिक सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें कलर चेंज करना है, यानी कि जिसके कपड़ों का हमें कलर चेंज करना है। तो सिंपली हम लेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पे ओके करेंगे और मीडिया खोल के हम लोग जो फोटो का हम लोगों को ड्रेस कलर चेंज करें। मान लीजिए मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, हम लोगों को इस फोटो के ड्रेस का कलर चेंज करना है। तो दोस्तों, इस फोटो की लेंथ को हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, हमारी लेंथ बड़ी हो गई ये फ़ोटो की। तो इसके बाद दोस्तों, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस फोटो पर क्लिक करेंगे और फोटो पर क्लिक करके ये जो क्रोमा की वाला ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की को अनेबल करेंगे और ये जो कलर की हम लोगों को दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारे ड्रेस का कलर है, यानी कि जो हमारे ड्रेस का कलर है वही कलर हम लोगों का सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमारे ड्रेस का कलर ये है, हम लोग यही कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एडजस्ट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, फाइनली ये हमारे ड्रेस का कलर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो, पहले इसका कलर दूसरा था, अब इसका कलर दूसरा है। जैसे जैसे अभी बढ़ेगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए अभी इसमें रेड हो गया है, हम लोग रेड में थोड़ी सी शाइनिंग नहीं आ रही है, तो इसको भी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल रेड हो गया है। तो यहाँ पर ला के हम लोग इसको छोड़ देंगे। ये परफेक्टली एकदम अच्छे तरीके से हमारी इमेज का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम किसी भी वीडियो का अगर कलर चेंज करना चाहें तो वीडियो का भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों का पिक का या किसी भी वीडियो का हम लोग अगर ड्रेस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इस तरीके से हम काइन मास्टर की मदद से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, 1 करोड़ लाइक का टारगेट रखा है। उम्मीद है कि आप लोग जरूर लाइक कर दोगे इतना तो, और 5-6 करोड़ में 5-6 करोड़ कमेंट का टारगेट रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 5-6 करोड़ कमेंट भी करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन और किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।